हाय फ्रेंड्स, नीलम हियर। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। मीठी चाय के साथ नमकीन बिस्किट, और वो भी अजवाइन वाले, तो चाय का स्वाद बढ़ जाता है। अजवाइन के कुछ दाने ही सही, लेकिन स्वाद को तो बढ़ा देते हैं। और फिर हर दिन एक जैसे बिस्किट तो खाएंगे नहीं, इसीलिए मैं आपके लिए अलग अलग तरीके के बिस्किट लेकर आ जाती हूँ। आज भी मैं लेकर आ गई हूँ हल्के नमक के साथ अजवाइन वाले बिस्किट। बस आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें। अजवाइन बिस्किट बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप प्योर घी। ये जो घी है ना, आपने देखा मेल्टेड नहीं है, ये जमा हुआ घी है, तो आपने ऐसे लेना है। और बाय चांस अगर आपके पास मेल्टेड है, उसे फ्रिज में रख दें, वो जम जाएगा, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर, लेकिन ये पाउडर्ड है, पिसी हुई शुगर है। 1/2 कप मैंने ये डाल दी। अब क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक बीटर से मैं बीट कर लेती हूँ, सो दैट ये जो शुगर और जो घी है अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए। इसको एक बार मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसे चला देती हूँ। तो चलिए इसे फटाफट इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्लफी हो गया। इसे एक बार स्पैचुला से हिला लेते हैं। ये स्पैचुला से मैंने मिक्स तो कर दिया, एक बार हम इसको फिर से जो है इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये अच्छी तरह से फ्लफी हो गई है। अब मैं इसे फटाफट बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये जितना भी हमारा लिक्विड था, कितने अच्छे से देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया मिक्स हो गया। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये थोड़े से मीठे होते हैं, थोड़े से नमकीन। मीठा भी इसमें कम होता है, हल्का सा नमक भी होता है। आपने देखा शुगर मैंने कितनी कम डाली है। इसके साथ ही अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, लेकिन सॉल्ट जो है 1 टीस्पून ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और अजवाइन 1 पिंच अजवाइन ये भी मैं डाल रही हूँ। इसके साथ आ जाता है वेनीला एसेंस, ये आप कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं, नहीं तो 1/2 टीस्पून इसमें आप डाल सकते हैं। तो बस इसे स्पैचुला से धीरे धीरे मिक्स कर देते हैं। और आपने देखा जितना भी लिक्विड हमारे पास इंग्रेडिएंट्स थे, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये अब मैंने छलनी ले ली है, इसमें मैं डालने वाली हूँ 2 कप्स ऑफ मैदा, जो मैंने पहले ही 2 कप्स निकाल के रख लिया था। और इसके साथ ही डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जो है राइस फ्लावर। ये राइस फ्लावर भी काफ़ी बारीक है, बहुत ही फाइन है, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। इसको मैं डायरेक्ट बाउल के अंदर ही जो है ना छान लेती हूँ, सीव कर लेती हूँ, सो दैट अगर कुछ मोटे पार्टिकल्स हैं, थिक पार्टिकल्स हैं, तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए इसी में मैं डायरेक्ट जो है छान लेती हूँ, सो दैट हमारी आसानी हो जाएगी। ले लीजिए सारा मैदा, इसमें हमने छान के डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बस इस जितना भी हमारे पास ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको जो हमने घी और शुगर, इसका जो हमने बैटर बनाया था, उसमें धीरे धीरे रैप करते जाएंगे, मतलब मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये बैटर अच्छे से स्मूथ बन जाए। तो ये लीजिए, ये तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो बस इसी तरह आप भी मिक्स कर लीजिए। आपने देखा ना, ये डो की तरह नहीं, बैटर की तरह तैयार हुआ है। यस, मुझे ऐसे ही चाहिए था। तो इसके बाद इसे कैसे हमने ट्रे में लगाना है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक ग्लास ले लिया है, और ग्लास में ये पाइपिंग बैग ये मैं लगा देती हूँ। वैसे तो जो भी आपको नोजल मिले ना, आप उसके अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाली फ्लावर शेप वाली ले ली है। तो इसे डालना है इसमें, तो आसान तरीका यही है, इसे ग्लास में लगाएं और इसे पूरा इस तरह खोल दें। ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से इसमें सेट कर दिया है, और जो बैटर बना है उसे इस वाले जो पाइपिंग बैग है, इसमें हम फिल कर देते हैं। ये सारा बैटर मैं इस पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ। इसे नीचे भी करते जाएंगे, सो दैट जो बैटर है सारा नीचे चला जाए। इसे ग्लास से बाहर निकाल लेते हैं, ताकि जितना भी बैटर है नीचे चला जाए। ये देखिए, बैटर को नीचे ले आते हैं, ये पूरा बैटर नीचे तक आ गया। तो इसे कैसे हमने ट्रे में लगाना है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ट्रे में ऑयल लगा के ऊपर बटर पेपर लगा दिया, उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दिया। तो इसके ऊपर हम अब बिस्किट बनाने वाले हैं, जो ये मैंने पाइपिंग बैग में रेडी कर लिया है ना। तो बस इसको अच्छे से रोल करके पकड़ लेना है,
और यहाँ पे हम जो है जो भी शेप आप चाहे बना सकते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है मेरी ड्राइंग कितनी शानदार है, तो बस मैं भी शानदार तरीके से कुछ बिस्किट्स बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे बिस्किट्स बनाती जाऊंगी और पूरी ट्रे पे स्प्रेड कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है अपनी तरफ से अच्छी शेप बनाने की ट्राई की है, लेकिन आप मेरे से बेटर शेप बनाएंगे तो चलिए इस तरह से आप भी बिस्किट्स को बना लीजिए। अब जो है फाइनली अजवाइन के थोड़े थोड़े दाने इन बिस्किट्स के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे ना बड़े मज़ा आएगा। अजवाइन का टेस्ट ही ऐसा होता है, हर कोई पसंद करता है इसे। तो लीजिए अजवाइन भी मैंने डाल दी है, यानी कि कारम सीड्स। और अब हमें इसे फ्रिज में रख देना है एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए, सो दैट ये सेटल हो जाए। और तब तक मैं अवन ऑन कर देती हूँ और फिर हम इसे प्री हीटेड अवन में 160 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए 10 मिनट के अंदर ये बेक हो गए हैं और मैं डायरेक्ट जो ट्रे है आपके सामने लेकर आ गई हूँ।